बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्लो आई के बारे में। तो इसकी अगर मैन्युफैक्चर की बात करें तो इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका सन फार्मा है। कम प्राइस की बात करें तो आपको लगभग 250 से 300 के बीच में आपको मिल जाएगा। लगभग 10 आपको इसमें टैबलेट्स मिलते हैं। अगर बात करें इसके साल्ट की तो इसमें दो मेजर हर्ब्स पड़ी होती हैं। एक तो पड़ा होता है बिलबेरी और दूसरा पड़ा होता है आपका पाइनस बार्क एक्सट्रैक्ट, उसकी छाल पड़ी होती है। और दोनों जो हर्ब्स हैं ना बहुत अच्छा काम है इनका आँखों की बीमारियों के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, आपकी आई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी माने जाते हैं। बहुत अच्छे इसमें टैनिंस होते हैं, क्वेरेसेटिन का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है इसमें, कैटेचिन्स होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं, विटामिन ए रिच होते हैं, विटामिन ई होता है। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो आपके आई को कहीं ना कहीं एक हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, आई को बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, ताकत प्रोवाइड कराते हैं आपके आई को। बात करें भाई कब लेना चाहिए, कौन सी बीमारी में लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए, तो अगर हम इसकी बात करें ग्लो आई की तो जिन लोगों को आई से रिलेटेड कोई दिक्कत है वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि एक मेडिसिन नहीं है, एक हेल्थ सप्लीमेंट है, आई सप्लीमेंट है, तो ये ले सकते हैं। जैसे कि किसी को कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है, तो उसके बाद आई सप्लीमेंट दिए जाते हैं, तो उस केस में भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर किसी को ग्लाउकोमा हुआ है, ठीक है, तो ग्लाउकोमा के केस में भी आप इसको यूटिलाइज करते हो। बहुत हद तक देखा गया है कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर है इस दोनों हब से वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको आई में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है, आप कंप्यूटर के सामने रहते हो, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, तो उस केस में भी आप इसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। बहुत अच्छे इसके परिणाम देखने को मिले हैं। आई में आपको जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, आपका विजन लॉस हो रहा है, आपको कम दिखाई पड़ रहा है, तो उस केस में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। या फिर आपके आई में मैकुलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है तब भी इसको यूज कर सकते हो। बहुत अच्छे परिणाम इसके देखे गए हैं। भाई बात करें इसको कैसे लेना है, इसको आपको लेना है दिन में दो बार ले सकते हो, एक बार भी ले सकते हो, मतलब आप एक टैबलेट सुबह ले सकते हो, एक शाम को ले सकते हो, या फिर दिन में एक बार ले सकते हो। बेस्ट तरीका होगा कि अपने फार्मासिस्ट या फिर अपने आप डॉक्टर या फिर अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें आप, उसके बाद ही दवाइयों का सेवन करें। अगर आपको कैटरेक्ट सर्जरी हुई है या फिर आपको ग्लाउकोमा की दिक्कत है तो आप सेल्फ ना लें, इसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लें क्या ये दवा लेना हमें उचित है, बेटर है, तभी आप उसका यूज़ करें। हाँ, अगर आप हेल्थी इंडिविजुअल्स हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ओनली फॉर हेल्थ सप्लीमेंट की तरह यूज़ करना चाहते हो, तो ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, तो आप परचेज करके वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है आएगी तो ये सबसे बेस्ट होगा कि आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद ही उसका सेवन करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है इसके कुछ साइड इफेक्ट आए और आपको थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाए उससे ना, तो इसलिए हर वीडियो में हम बोलते हैं कि आपको विदाउट परामर्श के कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव की तो नियरली सेफ है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ हद तक देखे गए हैं कि आपको नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत आ सकती है, पेट में क्रैम्स आ सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स हमारी बहुत सारे हर्ब्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल से सेंसिटिविटी होती है उन्हें, तो इस केस में कुछ साइड इफेक्ट देखे गए, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स में ये साइड इफेक्ट फ्री है, कोई किसी भी तरह का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लोग अपने आई के बारे में अपने आँखों के बारे में ख्याल रख पाएँ। थैंक यू।